और आइए आपको सीधा पटियाला लिए चलते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल शांति मार्च निकाल रहे हैं। शांति मार्च में इस वक्त बोलते हुए सुनते हैं। उन 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से उन शक्तियों को, पंजाब के दुश्मनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे, हम पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, हम पंजाब की शांति खराब नहीं होने देंगे। इन लोगों को जो मर्जी करने दो, अब हमें पंजाब की सत्ता जनता के हाथ में देनी है। जनता निर्णय लेगी और पंजाब सरकार उसी के हिसाब से चला करेगी। दोस्तों, आज मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बहाल करने में नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार पलटनी है और एक ईमानदार सरकार लेके आनी है, ईमानदार पार्टी की सरकार बनानी है। दोस्त, आज यहां हजारों लोग जो आप आए हैं, आप सब लोग पंजाब की उम्मीद हैं, आप सब लोग हमारी उम्मीद हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में, हमने 3 दिन पहले आह्वान किया था, इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, यही पंजाब की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से हमें उम्मीद है कि पंजाब की शांति और पंजाब का भाईचारा कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। भारत माता की, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा चले हुए के कदम साढ़े सिर में। तो चंडीगढ़ नगर निकाय चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अब शांति मार्च निकालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में पहुंचे हुए हैं।